इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का समापन हो गया है। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 22 गोल्ड समेत कुल 61 मेडल जीते हैं। इसमें 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इनके साथ मेडल टैली में भारत चौथे नंबर पर मौजूद रहा। भारत ने अब तक किसी भी कॉमनवेल्थ सीजन में 70 या उससे अधिक मेडल नहीं जीत पाए हैं। इस बार शूटिंग के शामिल नहीं होने के बावजूद भारतीय खिलाड़ी ने दमदार खेल दिखाया और किसी भी क्षेत्र में दूसरों से बिल्कुल भी पीछे नहीं दिखाई दिए। हर मामले में भारतीय खिलाड़ी ने खुद को बेहतर ही साबित किया है। इसी के दम पर इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 22 गोल्ड समेत 61 मेडल जीते हैं। इसमें 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इनके साथ मेडल टैली में भारत चौथे नंबर पर मौजूद रहा। मगर ओवरऑल कॉमनवेल्थ के इतिहास को देखें तो यह भारत का अब तक का किसी भी कॉमनवेल्थ सीजन में 5वां बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। भारत ने अब तक किसी भी कॉमनवेल्थ सीजन में सबसे ज़्यादा 101 मेडल जीते थे। यह उपलब्धि 2010 कॉमनवेल्थ में हासिल की थी। तब यह गेम्स भारत की मेजबानी में दिल्ली में हुए थे। तब भारत मेडल टैली में दूसरे नंबर पर रहा था। इसके अलावा भारत किसी भी कॉमनवेल्थ सीजन में 70 या उससे ज़्यादा मेडल नहीं जीत सका है। साथ ही भारत अब तक किसी भी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल टैली में नंबर वन पोजीशन पर नहीं आ सका है। ऐसे में भारत का टारगेट अब मेडल टैली पर टॉप करने पर होगा। वैसे आपका इस कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे यादगार पल कौन सा रहा है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।